राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आयोजित प्रेस वार्ता में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सचिन पायलट और वेणुगोपाल से दिल्ली में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में आगामी नगरीय निकाय चुनाव और दक्षिण विधानसभा को लेकर चर्चा हुई है। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार द्वारा उद्योग और आम उपभोक्ताओं के बिजली दामों में बढ़ोतरी से लेकर 2 लाख लोगों के रोजगार की समस्या गहराई है। नगरीय निकाय में अध्यक्ष के अधिकारों में कटौती की जा रही है। कांग्रेस के अधिक अध्यक्ष चुनकर आए हैं, इसलिए सरकार ने दुर्भावना से चेक पर साइन करने के अधिकार समाप्त कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार को 15 अगस्त तक आवारा पशुओं के निराकरण की चेतावनी देते हैं, जिसके बाद 16 अगस्त को कांग्रेस गौ सत्याग्रह करेगी। दिल्ली प्रवास था। दिल्ली प्रवास के दौरान हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट से मुलाकात हुई और माननीय वेणुगोपाल जी हमारे आईसीसी की प्रभारी महासचिव से मुलाकात हुई। हर कुछ अन्य नेताओं से चर्चाएं हुई। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए उसकी तैयारी को लेकर चर्चा हुई और साथ ही उनकी दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई और संगठन को आने वाला समय में कैसे आवश्यकता प्रदान करे इसकी भी चर्चा है। साथ ही आज का प्रेस वार्ता में सरकार जो और आम उपभोक्ताओं के बिजली के दाम वापस दी, सरकार के तुगलकी निर्णय से 2 लाख मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आया गया है। बिजली के दामों की लगातार बढ़ोतरी, नगरीय निकायों के अध्ययन अधिकार की वापसी, आवारा पशुओं की समस्या, 14 अगस्त को संविधान यात्रा, विश्व आदिवासी दिवस पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर विषय पर आज चर्चा